नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 21 चैनल पर, जहां हर खबर है फटाफट और मजेदार। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यहां आपको मिलेगी ताजा खबरें और धमाकेदार इंटरव्यूज और ढेर सारा मनोरंजन। तो देर किस बात की है, न्यूज 21 के साथ जुड़े और बने रहें सबसे आगे। शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर निर्दलीय विधायक व पूर्व भाजपा सरकार के परिवहन मंत्री यूनुस खान का पुतला दहन किया गया। निर्दलीय विधायक व पूर्व भाजपा सरकार के परिवहन मंत्री यूनुस खान ने 20 जुलाई को विधानसभा में परिवहन विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान डीजल महंगा होने के कारण प्रदेश में रोडवेज की बसों को बढ़ावा देने की बजाय लोक परिवहन सेवा की निजी बसों की संख्या का विस्तार करने की पुरजोर वकालत की, जिस बयान को लेकर रोडवेज कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने काफी रोष व्याप्त है। जिसको लेकर आज श्री माधोपुर बस स्टैंड पर निर्दलीय विधायक यूनुस खान व पूर्व परिवहन मंत्री का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन श्रमिक संगठन का संयुक्त मोर्चा के हरिनारायण स्वामी के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर हरिनारायण स्वामी, शिवपाल राम, हरि सिंह, शेडू राम सहित कई राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठन मोर्चाओं के अधिकारी व पदाधिकारी गण मौजूद रहे। 20 जुलाई 2024 को विधानसभा के अंदर निर्दलीय विधायक यूनुस खान के द्वारा रोडवेज विरोधी बयान देने के कारण से कि डीजल महंगा हो गया, इसलिए लोक परिवहन गाड़ियां चलाई जाए, इस बयान से रोडवेज के कर्मचारी और अधिकारी हताश होकर के और आज ये पूछताछ दहन पूरी राजस्थान के अंदर चलाए। जबकि इससे पहले भी ये जब 2018 के अंदर आए तो इन्होंने लोक परिवहन गाड़ियाँ चला करके रोडवेज को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, क्योंकि गाड़ियों प्राइवेट गाड़ी आगे चलती हैं, रोडवेज पीछे चलती हैं, इसलिए बहुत घाटे में चल रही है। इनको देखते हुए जबकि पब्लिक इसके अंदर रोडवेज को बढ़ावा देना चाहिए, मगर ये ऐसे विधायक जो प्राइवेट गाड़ियों के दलाल है जो रोडवेज का विरोध करते हैं, उनके लिए विधायक का निर्दलीय विधायक यूनुस खान पूरे राजस्थान के अंदर पुतला दहन किया।